सांसदों के निलंबन पर राजधानी सड़कों पर सियासत तेज, विपक्ष का पुराने संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर उठाया सवाल, कहा सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन का भेजा जवाब, कहा मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। इंडिया गठबंधन को लेकर बोले जेडीयू सांसद सुनील कुमार, पिंटू कहा गठबंधन को लेकर सीरियल नहीं, कहे कांग्रेस। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री विवाद पर बोली बीएसपी सुप्रीमो मायावती, उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की मिमिक्री और उसे वायरल करना ठीक नहीं है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सोनिया गांधी को न्योता, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शामिल होने का भेजा निमंत्रण। अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हनुमान गढ़ी में मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन पूजन किए, मंदिर निर्माण का जायजा लिया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर साधु संतों के लिए खास इंतजाम, ठहरने के लिए टेंट सिटी का निर्माण। देशभर से राम भक्त भेज रहे हैं मोतियों की मालाएं, लखनऊ में राम धुन पर झूमी महिलाएं। सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म डंकी, शाहरुख खान के फैंस में जबरदस्त उत्साह। जश्न के माहौल में देखी माया नगरी मुंबई, शाहरुख खान के कटआउट पर फैंस ने फूलों की माला की। बच्चों पर भी चला फिल्म डंकी का जादू, शाहरुख खान के लिए अपना प्रेम जाहिर किया। शाहरुख खान के फैंस में देखा जबरदस्त उत्साह, थिएटर के बाहर किंग खान का सिग्नेचर पोज करते हुए नजर आए फैंस। सैंटा की ड्रेस में भी थिएटर पहुंचा एक फैन, नाश्ते करते नजर आया। दो लंगाड़ों की धाप पर शाहरुख खान की फिल्म डंकी का दर्शनों दर्शकों ने जबरदस्त स्वागत किया। साल किंग खान के फैंस को फिल्म की तीसरी हैट्रिक का तोहफा। इस साल शाहरुख खान की सफलता की हैट्रिक पर दर्शकों की पूरी उनको विश्वास है, हाई जोश के साथ पहुंचे थिएटर्स। मुंबई में सुबह 5:55 के शो के लिए लगी दर्शकों की लंबी लंबी कतारें, फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह। बेंगलुरु में थिएटर्स के बाहर ढोल नगाड़े के ताप पर नाश्ते करते नजर आए। फिल्म जवान और पठान की सफलता के बाद दर्शकों की कसौटी पर फिल्म डंकी, राजकुमार हिरानी ने किया है फिल्म का निर्देशन। बस्ती में संसद खेल महाकुंभ का आयोजन, जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। दिल्ली में 52वीं प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग कार्यशाला का आयोजन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल हुए। अमरावती में जगन्नाथ विद्यार्थी विद्या दीवेना का शुभारंभ किया गया, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी शामिल। गोवा के मीरामार में उन्नत डिजिटल तारामंडल का शुभारंभ हो गया, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में युवाकुलम पदयात्रा का आयोजन किया गया, टीडीपी प्रमुख शामिल हुए। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद। पुंछ में 2 दिवसीय किसान प्रशिक्षण का आयोजन, बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। नेपाल के बीरगंज में 1 दिवसीय भारत नेपाल आर्थिक साझेदारी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन, कई मुद्दों पर चर्चा व्यापक। जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पूर्व उपराष्ट्रपति पहलू सिंह शेखावत को नमन किया, डिप्टी सीएम दिया कुमारी मौजूद रही। राजौरी में प्लास्टिक मुक्त बनाने की शानदार पहल, लगाई गई पेलिंग मशीन।
फतेहपुर में सवालाख शिवलिंग के निर्माण में जुटी महिलाएं और स्कूली बच्चे 1100 मोदक लड्डुओं से भगवान श्री गणेश का हवन कर लगाया 56 भोग। श्रद्धालुओं ने रुद्राभिषेक करके भगवान शिव की पूजा अर्चना की, लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। अयोध्या में श्री राम मंदिर में लगेगा अष्ट धातु से बना 2100 क्विंटल का घंटा। घुंगरू घंटी के नगरी एडा में 400 से ज्यादा कर्मचारियों ने इस विशाल घंटी का निर्माण किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नागपुर में समाधि स्थल डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी, कहा आरएसएस का स्मृति मंदिर प्रेरणा स्थान और स्फूर्ति स्थान है। राजधानी दिल्ली में लोढ़का पारा, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम। दिल्ली से सटे मेरठ में भी सर्दी का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। मेरठ में कोहरे की मोटी चादर देखने को मिल रही है, ट्रैफिक में रफ्तार थी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में बढ़ गई ठंड, 1.8 डिग्री तापमान में गिरावट। उत्तर प्रदेश के आगरा में सर्दी का सितम लगातार जारी, ठंड के बीच चाय की चुस्की लेते नजर आ रहे हैं लोग। दिल्ली में ठंड को देखते हुए बेघर लोगों के लिए बनाया गया शेल्टर होम, भोजन की भी व्यवस्था की गई है। दिल्ली में बेघरों को ठंड से बचाने के लिए बनाया गया है रैन बसेरा, लोगों को हो रही है सहूलियत। तूतकड़ी में बाढ़ पीड़ितों के लिए देवदूत बनी इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम। सिलीगुड़ी में क्रिसमस की रौनक देखने को मिल रही है, स्कूली बच्चों ने केक काटा। तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव पहुंचे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बुनकरों से बातचीत की। पेरिस में क्रिसमस की धूम, भव्य रोशनी से जगमगा रहा है नजारा। क्रिसमस पर तारों की टिमटिमाहट नजर आ रही, पारंपरिक जैपनीज थीम पर सेंटा क्लॉज को सजाया गया है। क्रिसमस सीजन पर जगमग उठा गया सिडनी, सेंट मैरी कैथेड्रल के बाहरी सीजन शानदार नजारा। ब्रसेल्स में क्रिसमस पर बाजारों में अद्भुत रौनक, परिवार के साथ था बेल्जियम के लजीज पकवानों को लुत्फ उठा रहे लोग। ओस्लो में क्रिसमस मेले का आनंद उठाते नजर आ रहे लोग, इमारतों की कई है शानदार लाइटिंग सजावट। पेरू में क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज की ड्रेस में नजर आ रही महिला पुलिस बाइक सवार। नोट्स के चर्च में यूक्रेनी सैनिकों ने मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना सभा में शामिल हुए। रियो फेवेला में ब्लैक सेंटा क्लॉज ने क्रिसमस की खुशियां मनाकर बच्चों को खुश किया। यरूशलम ओल्ड सिटी में क्रिसमस ट्री इकट्ठा करते देखे ईसाई श्रद्धालु, दुकानों पर की जा रही है विशेष सजावट। क्रिसमस के मौके पर उपहारों से सजे नजर आ रहे हैं बाजार, दुकानों पर स्टार और कून कैप बनाने के श्रमिक जुटे हुए लगातार।